गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वरद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर के 31 वैकेंसीज रिलीज हो चुके हैं, तो इस वीडियो में हम उसके सारे डिटेल्स देखेंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला है, उसके सारे डिटेल्स, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको वैकेंसीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डीएनएस बैंक डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड में 31 वैकेंसीज जो है असिस्टेंट मैनेजर वैकेंसीज रिलीज हो चुकी है, जिसमें आपका एजुकेशन ग्रेजुएशन हो और आपके पास कंप्यूटर नॉलेज का कोई सर्टिफिकेट हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आगे देखते हैं इसके डिटेल्स। या आप करियर में जाना है आपको, या आप नीचे जाएंगे तो आपको करंट ओपनिंग में या रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इसकी सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, IBPS सिस्टम द्वारा ये फॉर्म फिल करना है, इसके लिए आपको एजुकेशनल आपके डॉक्यूमेंट्स और इसके साथ ही आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, एक डिक्लेरेशन और आपका फोटो सिग्नेचर, ये आपको कैरी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, या इसके इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो एनी एलिजिबल कैंडिडेट हु एस्पायर टू जॉइन द बैंक एज असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन के द्वारा और इसके प्रोसीजर के द्वारा ये कर सकता है। ठीक है दोस्तों, 2nd of May से लेकर 23 May तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। www.dnsbank.in इस साइट पर आपको इसके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, कैंडिडेट महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल रहवासी होना चाहिए। एज लिमिट में इसका एज लिमिट जो है 21 इयर्स और मैक्सिमम 28 इयर्स है। 2nd of April 1994 से लेके 1st of April 2001 तक जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, ये इसको एलिजिबल होने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री ग्रेजुएशन इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, ये किसी भी एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल, टेक्निकल ग्रेजुएशन, एनी डिप्लोमा, ये जो भी कैंडिडेट है ये कृपया इस एप्लीकेशन को अप्लाई ना करें, क्योंकि ये एलिजिबल होने वाले नहीं है। कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आपको होना चाहिए, इसके कोई ना कोई सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव द कैपेसिटी टू रीड द मराठी लैंग्वेज, बात करते रहनी चाहिए, समझनी चाहिए, ये मराठी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, या इसकी डिटेल्स है, इसके सारी डिटेल्स मैं नोटिफिकेशन जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ आप ठीक से इसको पढ़ पाएंगे। पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर्स, इसमें जब भी आप एग्जामिनेशन दोगे तो रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी लगने वाली है, इसलिए वही आंसर लिखे जो आपको अच्छे से पता और जो करेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात करेंगे तो मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर, जलगांव, सातारा, नासिक, औरंगाबाद, नगर, कोल्हापुर, इस तरह के एग्जाम सेंटर से, जो कि इसके अलावा कोई भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन आपको देनी होगी। एग्जाम का पीरियड 160 मिनट्स का रहने वाला है। इसके साथ ही इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू में जो भी कैंडिडेट हु हैव शॉर्टलिस्टेड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, जो भी शॉर्टलिस्टेड है उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन द ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको साथ में रखने पड़ेंगे, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसके लिए आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, इसके साथ ही आपका कास्ट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट हो, एक्सपीरियंस हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में रखने पड़ेंगे। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपको आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये इसमें से कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट आप साथ में एग्जाम के टाइम में रख सकते हैं। लेकिन रेशन कार्ड, लर्निंग लाइसेंस जो है ड्राइविंग का, ये वैलिड नहीं पकड़ा जाता, इसलिए वो साथ में ना रखें। ठीक है,
हाउ टू अप्लाई डिटेल्स गाइडलाइंस में एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन फीस इसकी पेड करना पड़ेंगे, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आपको आपका फोटो सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो फीस है इसकी इंटीमेशन फीस चार्जेस जो है ये नॉन रिफंडेबल होने के कारण एप्लीकेशन फॉर्म में सभी इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट से भरे। एप्लीकेशन फीस जो है 800 रुपीज़ रहने वाली है जो कि GST पकड़ के होने वाली है। ठीक है दोस्तों, गाइडलाइंस फॉर द स्कैनिंग एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स या स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं या तो आप नोटिफिकेशन में इसको ठीक से पढ़ के समझ पाओगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में आप बात करेंगे तो जनरल इंस्ट्रक्शन में DNS बैंक विल बी फ्री टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन कर सकती है, वो इनकी राइट्स है, जो भी राइट्स है बैंक ने अपने पास रखे हुए। ठीक है दोस्तों, कॉल लेटर्स के बारे में बात करेंगे तो सेंटर, वेन्यू, एड्रेस, डेट, टाइम, एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू शैल बी इंटीमेटेड इन द रिस्पेक्टिव कॉल लेटर, वो कॉल लेटर में आपको बता दिया जाएगा। अनाउंसमेंट जो है इसके रिजल्ट्स के बारे में ये सारे www.dnsbank.in इस साइड पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो आपको इस साइड पे टाइम टू टाइम विजिट करना पड़ेगा और इसकी डिटेल्स सारी जानकारी लेनी पड़ेगी और उस हिसाब से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपको वैकेंसीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।